सो मेरे भाई एयरटेल एयर फाइबर को लेके एक नहीं दो दो गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। सो दूसरी गुड न्यूज ये है कि एयरटेल ने एयर फाइबर में अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है। दोनों गुड न्यूज के बारे में सारा डिटेल में बता के जाऊंगा, वीडियो में बने रहना। सो हेलो मेरे भाई, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी एयरटेल एयर फाइबर को लेके कि एयरटेल ने अपना नया एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है। कहने का मतलब कि इन्होंने अपने नए डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, जैसे कि सिलेंडर टाइप अब अपना ये एयरटेल एयर फाइबर लगा के दे रहे हैं सभी जगह। बट कई जगहों पे ये दे रहे हैं, कई जगहों पे पुराना एयरटेल एयर फाइबर, कहने का मतलब पुराने डिवाइसेस ही लगा के दे रहे हैं। सो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि एयरटेल ने अपना एयर फाइबर डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है। सो भाई इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि एयरटेल एयर फाइबर की वेबसाइट हमें दिखाई नहीं दे रही थी इंटरनेट के ऊपर, मतलब एयरटेल ने एयर फाइबर वाली वेबसाइट शायद एक किस्म की बंद ही कर दी थी। सो इसीलिए बहुत सारे भाई ये सोच रहे थे कि वेबसाइट बंद हो गई है, शायद एयरटेल ने अपना एयर फाइबर भी बंद कर दिया है। तो मेरे भाई ये एयरटेल एयर फाइबर तब तक बंद नहीं होगा जब तक जियो नहीं करता, ठीक है, घबराए ना। सो मैं भी सोच रहा था कि भाई देखो क्यों भाई ऐसा बोल रहे हैं, भी एयरटेल अपना एयर फाइबर का नया डिवाइस लॉन्च कर रहा है, सस्ते से सस्ता प्लान देने की कोशिश कर रहा है जियो को कंपटीशन देने के लिए, तो एयरटेल कहां से बंद करने वाला है एयर फाइबर। तो मेरे भाई मैंने आपको यह भी बताया था कि एयरटेल मतलब कि कोई ना कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर रहा होगा, तो वही बात हो गई है मेरे भाई कि अब क्या है कि एयरटेल ने अपनी एयर फाइबर वाली वेबसाइट को या फिर अपने एयर फाइबर को दोबारा इंटरनेट के ऊपर लिस्ट कर दिया है, प्लान वगैरह शो होने शुरू हो गए हैं एयरटेल के। सो अगर आप प्लान वगैरह देखना चाहते हो तो आपको गूगल के ऊपर लिखना है सिर्फ और सिर्फ एयरटेल एयर फाइबर। सो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर प्लान एंड प्राइस गेट ए न्यू कनेक्शन टूडे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 699 वाला प्लान देखने को मिलेगा जिसमें 40 एमबीपीएस की स्पीड दे रहे हैं, 4K एंड्रॉइड बॉक्स दे रहे हैं और टीवी चैनल दे रहे हैं, 350 टीवी चैनल मिल रहे हैं, थोड़े बहुत एचडी भी होंगे इसमें, 22 प्लस ओटीटी दे रहे हैं। दूसरा प्लान 799 का है, वाईफाई स्पीड 100 एमबीपीएस है बट ना ही एंड्रॉइड बॉक्स मिलेगा, ना ही टीवी चैनल, सिर्फ ना ही आपको ओटीटी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही इसमें 799 वाले प्लान में देखने को मिलेगा। एक प्लान है 899 रुपए वाला, इसमें 100 एमबीपीएस की स्पीड है, 4K एंड्रॉयड बॉक्स भी मिलेगा, टीवी चैनल 350 प्लस मिलेंगे, 22 प्लस ओटीटी भी मिलेगी, ठीक है। सो कोई भी प्लान लेना है गेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर क्या है आपको मोबाइल नंबर पहले स्टेप में और फुल नेम डाल देना है, दूसरे स्टेप में आपको एड्रेस वगैरह डाल देना है, बाय वाईफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, आप फिर क्या है घर बैठे ही ऑनलाइन एयरटेल एयर फाइबर को बुक कर सकते हो। सो पहले क्या था मैं मतलब कि कुछ नामो निशान ही नहीं हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। सो अब क्या है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन ही हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि प्लान वगैरह ही देखने को मिल रहे हैं, बाकी कुछ राउटर वगैरह कैसा दे रहे हैं कैसा नहीं है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, बट फिर भी आप हमारा टेक पत्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे भाई, जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते रहते हैं, चाहे एयरटेल अपनी वेबसाइट के ऊपर बताए या ना बताए, ठीक। सो अगली जो गुड न्यूज़ है वो प्लानों को लेके आ रही है एयरटेल एयर फाइबर के। सो मैं आपके सामने चार प्लान पेश कर रहा हूं। सो पहला प्लान 30 एमबीपीएस वाला है, मंथली रेंटल 599 है, इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगी 18%, ठीक है, और इस प्लान में वाईफाई प्लस टीवी प्लस ओटीटी मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस
2500 रुपए देने हैं, 106 दिनों के लिए आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। 100 Mbps वाला एक प्लान है, 899 मंथली रेंटल है, वाईफाई टीवी ओटीटी मिलेगी, इसमें भी 2500 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ देने हैं इसमें, बट 70 दिनों के लिए आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो 30 Mbps वाला प्लान है, मतलब कि 599 वाला जो मंथली, इसमें रेंटल हमें देना पड़ेगा प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ये मतलब कि कई जगहों पे एयरटेल मतलब दे रहा है ये वाला प्लान, कई जगहों पे नहीं दे रहा है। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ कि ये 2500 रुपए में 106 दिनों के लिए ये सारा कुछ दे रहे हैं जो 30 Mbps वाला प्लान है। सो जियो को टक्कर देने के लिए भाई ये तरह तरह के एयरटेल अपना एयर फाइबर में जो है फैसिलिटी या फिर सुविधा देता रहता है। आपको क्या करना है, अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगवाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है एयरटेल के स्टोर में जाना है। ठीक है, वहां पे जाने के दो फायदे हैं, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में एयरटेल एयर फाइबर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और एक और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि एयरटेल एयर फाइबर में आपको 599 वाला प्लान आपके एरिया में है या नहीं है, और आपको एडवांस में कितने पैसे देने पड़ेंगे, और स्कीम वगैरह क्या चल रही है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग स्कीम्स एयरटेल अपने एयर फाइबर में दे रहा है। ठीक है जी, सो ये ना बोलें कि मैंने आपको बता दिया है कि 599 वाला प्लान है एयरटेल का और आप मेरे, बट मैंने पता किया है मेरे एरिया में नहीं है। सो कई एरियों में है, कई एरियों में नहीं है। अगला प्लान 40 Mbps वाला है जो इन्होंने ताज़ा लॉन्च किया है, मंथली रेंटल सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए है, बट चक्कर ये है इस प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई ओनली देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट देखने को मिलेगा, कोई ओटीटी नहीं मिलेगी, कोई एंड्रॉयड बॉक्स, कोई टीवी वगैरह नहीं मिलेंगे, वाईफाई इंटरनेट ही मिलेगा। और इस प्लान को आपको 6, 4 या 12 मंथ के लिए लेना पड़ेगा, कहने का मतलब कि मिनिमम आपको 4 मंथ की एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगला प्लान, जैसा कि आपको पता है कि 100 Mbps वाला प्लान है इनका, 799 मंथली रेंटल है, वाईफाई ही मिलेगा इसमें अकेला, 6 या 12 मंथ की एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मेरे भाई ये कोलकाता से भाई थे, उन्होंने मेरे को ये वाला भेजा है, उनको मतलब वेंडर ने भेजा होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बट हाँ ये नहीं कि अगर मैं ये वाला पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ कि सेम प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिले आपकी लोकेशन के ऊपर और सेम प्राइस के ऊपर देखने को मिले। जैसे कि 30 Mbps वाला प्लान है आपको 2500 ही देने पड़े, हो सकता है आपको 3300 देने पड़े, और 3300 में हो सकता है कि आपको 6 मंथ के लिए मिल जाए, और कई कई बंदों से मैंने सुना है कि उनको 8-8 मंथ तक एयरटेल अपना एयर फाइबर में मतलब इतने मंथ तक दे रहा है सारी सर्विसेज, बट कई जगहों पे मैंने सुना है कि सर्विस तो मतलब ज्यादा दिनों की मिल रही है, बट उसमें ओटीटी टीवी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ वाईफाई मिल रहा है। अगर महीने ज्यादा हैं तो फैसिलिटी भी कम है। ठीक है जी, सो आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एयरटेल के स्टोर जाके आपको सारा कुछ पता कर लेना है। ठीक है जी, बट हाँ ये कोलकाता में भाई ने मेरे को भेजा था। सो मेरे भाई ये वाली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन डेल देखना चाहते हो टेकपति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज की स्माइलिंग, जय हिंद।